नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अमृताज वेज किचन। दोस्तों, श्रावण महीना आ रहा है तो पूरा महीना लोग उपवास करते हैं और हर रोज़ वो साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा खाकर अगर बोर हो गए होंगे तो आज हम कुछ नया बनाएंगे। आज हम साबूदाना थाली पीठ बनाएंगे, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फ्राई थाली पीठ बनाने के लिए हमें चाहिए 3 आलू, कच्चे आलू हैं, 130 ग्राम साबूदाना, 130 ग्राम सामा की चावल है, इन्हें हम मोरैया भी कहते हैं और भगर भी कहते हैं, 1 बड़ा चम्मच भीगे हुए साबूदाना, दही, 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच भुने हुए मूंगफली का पाउडर है, और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और जीरा को मैंने पीस लिया है और हरा धनिया। सबसे पहले हम 1 कप साबूदाना और 1 कप मोरैया या सामा के चावल, इन्हें हमें भूनना है। इन्हें हम भूनते हुए लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए। यह हमारा साबूदाना और मुरैया अच्छी तरह से भून चुके हैं। अगर आपको समझ में ना आए कि ये भून चुके हैं या नहीं तो दोनों को टेस्ट करके देखिए, क्रंची बन जाएंगे तो समझ लीजिए कि ये भून चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद पीस लेंगे। ये ठंडा हो चुका है, इसे हम पीस लेंगे। इसे एकदम बारीक पीसना है, ये अभी दरदरा है, इसे हम और थोड़ा पीसेंगे। ये पीस चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और ये बाकी का भी हम पीस लेंगे। ये हमने साबूदाना और मुरैया को पीस लिया है। अब हम ये कच्चे आलू हैं, इन्हें छीलकर कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने सारे आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम आटा गूंदेंगे। ये जो साबूदाना और मुरैया का हमने आटा बनाया है, इसमें हम ये कद्दूकस किए हुए आलू डाल देंगे। और ये हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, हरा धनिया और जीरा का पेस्ट बनाया है मैंने, ये भी हम इसमें डालेंगे। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि जो फराड़ी डिशेस होती हैं उनमें और कोई मसाले नहीं डलते हैं, तो थोड़ा स्पाइसी होता है तो टेस्टी लगता है। और स्वादानुसार सिंधव नमक डालूँगी। इसे हम बराबर मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसमें हम पानी डालकर आटा गूंदेंगे। ये आटा एकदम नरम होना चाहिए। ये आटा जो है रोटी के आटे से भी नरम होना चाहिए क्योंकि हमें इसे बेलना नहीं है, तो ये नरम होना चाहिए। ये हमारा आटा गूंद के तैयार है, इसे हम ढककर 10 मिनट रहने देंगे और तब तक हम चटनी बना लेते हैं।
चटनी बनाने के लिए दही जो है इसे हम थोड़ा सा चम्मच से ही फेंट लेंगे। और अब हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो चुका है, हम इसमें जीरा डालेंगे और इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, करी पत्ता और जीरा की पेस्ट डालेंगे एक छोटा चम्मच। ये मिक्स हो चुका है, इसमें हम दही डाल देंगे। इसमें भीगा हुआ साबूदाना डालेंगे और मूंगफली के दानों का पाउडर। इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे, ये सिंधव नमक है, और इसे बराबर हम मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और इसे 2 मिनट पकने देंगे। ये हमारी चटनी बनके तैयार है। 10 मिनट हो चुके हैं। ये जो आटा हमने गूंदा है इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे बराबर मिक्स कर लेंगे। हमारा पैन गरम हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये जो आटा है इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसका हम एक गोला लेंगे इस तरह से। इसे हमें तवे पे रखना है और इसे हम हाथ से फैलाकर इस तरह से थाली पीठ बनाएंगे। एक छोटा चम्मच तेल डाल देंगे और इसे ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे। ये देखिए, ये जो थाली पीठ है एक तरफ से पक चुका है, हम इसे दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। तो इसे उल्टा करके अब इस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। और इसे हम ढककर पकाएंगे। वैसे साबूदाना और मोरैया तो हमने भुने हुए डाले हैं, लेकिन आलू जो है वो हमने कच्चे डाले हैं, तो उसे पकना ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। दोनों तरफ से आप 5-5 मिनट पकाएं इसे तो पक जाएंगे। देखिए, ये हमारा थाली पीठ जो है ये दूसरी तरफ से भी बराबर पक चुका है। हम इसे निकाल लेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। वैसे बहुत आसान है। आपको अगर इसमें बनाने में तकलीफ हो तो हाथ को थोड़ा सा तेल लगा लीजिए या पानी लगा लीजिए, फिर इसका एक गोला ले लीजिए और इसे इस तरह से तवे पर डाल दें और हाथों से फैला दें। अब हम इसमें तेल डालेंगे और इसे ढककर फिर से 5 मिनट पकाएंगे। ये हमारे फराई थाली पीठ बनके तैयार है। हम इसे दही की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।